अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी यूके के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मिशीर। नाज़रीन, आज हमारे साथ अमीन खान मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने ईद भी यहीं पे की है और लोगों को ये खाना भी देने हैं। दोपहर का टाइम है। इनसे जानते हैं कि क्या इन्हें टिकट मिल चुका है और ये इसलिए सामान पर मौजूद हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम मैडम, आपका तो शुक्रिया कि हमको टाइम दिया। ऐसा है कि हम ईद से पहले आए, हमारे तकरीबन 150 लोग इधर ईद में थे और हम रात को आए थे खान साहब के सिक्योरिटी के लिए। ये जो आप ये रोटी का सिस्टम देखते हैं, ये हम खुद करते हैं और हमारा वर्कर जो है ना इधर तकरीबन अभी तक हमारे से देर से 200 बंदे अभी जमान पार्क में मौजूद है। देर से 200 बंदा इस टाइम जमान पार्क में मौजूद है। इन सबका खाना आप अपनी जेब से करते हैं? बिल्कुल, हम अपने जेब से करते हैं, अभी से नहीं, 2 महीने पहले से। और इंशाल्लाह जब तक खान साहब इधर है तो हम भी इंशाल्लाह इधर होंगे और अपना खाना और अपना सारा बंदोबस्त जो है ना हम खुद करेंगे इंशाल्लाह। जब तक खान साहब इधर हैं कि जब तक आपको टिकट मिलता है? नहीं नहीं, टिकट का बात तो नहीं, टिकट बाद में और खान साहब पहले है ना। खान साहब होते तो हम सारे होते, खान साहब नहीं है तो हम टिकट पे क्या करते हैं और आगे ओहदे पे क्या करते हैं। टिकट मिल चुका है आपको इस टाइम? टिकट तो मिल चुका नहीं है, लेकिन अप्लाई किया है और शॉर्टलिस्ट हुआ है मैं। जी, शॉर्टलिस्ट किस बुनियाद पे आप हुए हैं, किस वजह से हुए हैं? वजह तो है कि मैं खान साहब से 96 से हूँ। अभी तक मैं तकरीबन 17 साल पार्टी का माँ बाप रह चुका हूँ। अभी तक तकरीबन 6 साल हम डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ और 13 साल हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। लेकिन अभी तक ये 20-22 सालों में मैंने पार्टी को कोई फ्लाई टिकट के लिए नहीं किया। वाहिद हमने इसी बार 2023 का जो इलेक्शन आ रहा है, मैंने उसको इसी को फ्लाई किया फीके की। इंशाल्लाह खान साहब मुझे टिकट दे तो इंशाल्लाह मैं जीत कर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मुलाकात हुई है आपकी खान साहब से? हमारा 3 मुलाकात हुए। टिकट के बारे में क्या बातचीत हुई है? के बारे में वो मेरे साथ और मैं उसके साथ कोई बात नहीं करता हूँ, न किया। सामान पार्क में आज से चंद रोज कबल पहले इतना ज़्यादा रश था, लोग थे यहाँ पे, इतनी गहमा गहमी थी। जब से टिकट अनाउंस हो चुकी हुई है, इतना रश क्यों नहीं है, लोग क्यों नहीं है यहाँ पे? ऐसा है मैडम के वो आप जो बात कर रहे हैं ना, वो तो पंजाब के हैं। इधर हमारा केपी का शेड्यूल अभी तक अलाउंस नहीं हुआ। ये शेड्यूल जब पंजाब का अलाउंस हुआ, टिकट भी रात तक कंफर्म हुए, तो वही लोग निकल गए जिसको टिकट नहीं मिले, और वही लोग हैं जो टिकट होल्डर है और उसको टिकट मिले हैं। आपको क्या लगता है कि जिन लोगों ने यहाँ पे खाने फराहम किए हैं, लोगों को खाने दिए हैं, यहाँ पे लोगों की मदद की है, उन्हें टिकट मिला है कि खान साहब ने अपनी मर्ज़ी से चुनाव किया है? नहीं, मर्ज़ी से चुनाव तो नहीं किया, लेकिन वर्कर के ऊपर उसने चुनाव किया। वर्कर के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, कुछ दिन पहले यहाँ पे लगा हुआ था, लोग यहाँ पे एहतजाज किया हुआ था, पैराशूटर ना मंजूर, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? यार पैराशूटर तो मैं इसके बारे में एक बात करना चाहता हूँ। पैराशूटर हर पार्टी में होते हैं ना, जेन्युइन वर्कर जो है ना वो पार्टी के एहसास आए, और पैराशूटर जो है ना वो तो टिकट के लिए, ओहदे के लिए, मनसब के लिए, ठेके के लिए, कोई और लालच के लिए फाटों में जाते आते हैं। लेकिन जो लोग पीटीआई के नज़रियाती है, इंशाल्लाह वो खान साहब के साथ क़यामत तक इंशाल्लाह रहेंगे जी। थैंक यू जी। नाज़रीन, हमारे साथ अमीन खान मौजूद थे। इनका कहना ये है कि ये 2 माह से सामान पार्क में मौजूद है, इन्होंने ईद भी यहीं पे की है और ये 2 माह से ही यहाँ पे लोगों को खाना भी दे रहे हैं। और इनका कहना ये भी है कि टिकट की खातिर नहीं कर रहे, टिकट की खातिर लोगों को खाना नहीं दे रहे, ये खान साहब के लिए खाना दे रहे हैं उन्हें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो देखने के लिए देखते रहे वॉइस टीवी यूके। अल्लाह हाफिज़। इमरान तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान तेरी इंसाफ, जिंदाबाद। पाकिस्तान तेरी इंसाफ, जिंदाबाद।